नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों, ताकि आपको रोज नए अपडेट मिलते रहे। तो पहली बड़ी खबर है विधायक की पहल, रेणुका सिंह अपने क्षेत्र के बोर्ड परीक्षा में अव्वल आने वाले छात्रों को देंगी स्कूटी या बाइक। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और विधायक रेणुका सिंह ने बोर्ड परीक्षाओं में अव्वल आने वाले विद्यार्थियों को स्कूटी और बाइक देने की घोषणा की है। विधायक रेणुका सिंह ने अपने भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र में 10वीं और 12वीं में अव्वल आने वाले छात्रों को स्कूटी या बाइक देने का ऐलान किया है। विधायक ने कहा है कि ऐसे ऐलान से छात्रों में पढ़ाई के प्रति लगाव बढ़ेगा। भरतपुर सोनहत विधायक रेणुका सिंह ने कहा है कि प्रदेश में शुक्रवार से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। शुक्रवार से 12वीं की व शनिवार से 10वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि विद्यार्थी इस बार पूर्व से भी ज्यादा अच्छे परिणाम लाएंगे और अपने क्षेत्र का गौरव बढ़ाएंगे। सभी परीक्षार्थियों की सफलता के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र भरतपुर सोनहत में शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ऐसी घोषणा होने से वनांचल क्षेत्र के बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और अव्वल आने भरसक प्रयास करेंगे। रेणुका सिंह ने छात्रों से खूब मन लगाकर पढ़ने और आगे बढ़ने की अपील करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री व भरतपुर सोनहत विधायक रेणुका सिंह ने कहा कि परीक्षा के समय किसी प्रकार का घबराहट व डर मन में न पाले। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी छात्र छात्राओं को मैं उज्जवल भविष्य की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देती हूँ। प्रदेश के बच्चों को कहना चाहूंगी कि आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में सम्मिलित हो, कोई भी छात्र हताश या निराश न हो, आने वाला समय आपका होगा। सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते रहे, सभी बेटे व बेटियों को शुभकामनाएं। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, सरपंच बर्खास्त, मृतकों के नाम से निकालता रहा सामाजिक पेंशन का पैसा, 6 साल तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के एक सरपंच को बर्खास्त कर दिया है। जनपद पंचायत कुरुद अंतर्गत ग्राम पंचायत दहधा के सरपंच दीलन चंद्राकर को मृत व्यक्तियों के पेंशन राशि में 68,600 रुपये का गबन कर शासकीय राशि की अनियमितता किए जाने के आरोप में SDM कुरुद ने धारा 40 के तहत कार्रवाई कर पद से बर्खास्त कर दिया है। वे अगले 6 साल तक अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। मिली जानकारी अनुसार ग्राम पंचायत दहधा आश्रित ग्राम मौरी खुर्द में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना NON-DBT अंतर्गत शिकायतकर्ता थानेश्वर साहू व अन्य के द्वारा मृतकों के नाम से राशि आहरण की शिकायत की गई थी। शिकायत की जिला स्तर पर जांच कराई गई एवं जांच प्रतिवेदन अनुसार ग्राम पंचायत दहधा एक पेंशन हितग्राही को दोहरा भुगतान करने तथा 8 मृत हितग्राहियों को नाम से राशि प्राप्त करने व आहरित करने का शिकायत सही पाई गई, जिसमें कुल 68,800 रुपये की वित्तीय अनियमितता पाई गई। जांच प्रतिवेदन के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी कुरुद ने आदेश जारी कर सरपंच डीलन चंद्राकर को उनके पद से बर्खास्त कर दिया है। इस प्रकार मृत हितग्राहियों के नाम से पेंशन राशि का गबन गंभीर वित्तीय अपराध की श्रेणी में आता है, जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। डीलन चंद्राकर सरपंच ग्राम पंचायत दहधा को नोटिस जारी कर उनका पक्ष भी लिया गया, जिसमें उसके द्वारा वित्तीय नियमों का पुनर्तः अनदेखा कर नगद राशि हितग्राहियों को वितरण करना दिखाया गया एवं मृत हितग्राहियों की राशि स्वयं गबन कर लेना पाया गया, जिसके कारण डीलन चंद्राकर गंभीर वित्तीय अपराध की श्रेणी में दोषी पाया गया। SDM कुरुद द्वारा जारी आदेश के अनुसार सरपंच डीलन चंद्राकर दहधा ने पंचायती राज अधिनियम की धारा 40(1)(क) के तहत अपने कर्तव्यों के निर्वहन में गलत पाया गया है, जो कि लोकहित के लिए अवांछनीय है, जिसके कारण उन्हें धारा 40 के तहत पद मुक्त किया गया। साथ ही वह अब आगामी 6 वर्ष के लिए चुनाव नहीं लड़ पाएगा। चूंकि उप प्रकरण अपराध में सचिव तेजपाल अंसारी की भी संलिप्तता पाई गई है, इसलिए छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा नियम 1998 के तहत अंसारी के विरुद्ध विधि अनुरूप कार्रवाई करने CEO जनपद कुरुद को आदेशित किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, छत्तीसगढ़ में 12वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू, सेंटर्स में कैलकुलेटर, मोबाइल और स्मार्ट वॉच बैन। CM साया बोले, तनाव मुक्त होकर एग्जाम दें स्टूडेंट्स। छत्तीसगढ़ में 12वीं बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू हो गई है। 2 मार्च से 10वीं की परीक्षा शुरू होगी। दोनों ही कक्षाओं की परीक्षा में 5.97 लाख स्टूडेंट्स शामिल हो रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव VK गोयल ने बताया कि इस परीक्षा में कैलकुलेटर, मोबाइल, स्मार्ट वॉच ले जाना बैन है। सिर्फ मैनुअल साधारण घड़ी बच्चे अपने साथ रख सकते हैं। किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भीतर नहीं ले जाया जा सकता। परीक्षा की शुरुआत हिंदी विषय से हो रही है।
बोर्ड एग्जाम में इस बार राज्य में 2475 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 180 सेंटरों को संवेदनशील की लिस्ट में रखा गया है। उधर बोर्ड एग्जाम के लिए उड़न दस्ते की अलग अलग टीमें बनी है। बोर्ड एग्जाम सुबह 9 बजे से 12:15 तक है। सीएम विष्णुदेव साय ने स्टूडेंट्स से अपील की है कि तनाव मुक्त होकर परीक्षा दें। वहीं शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी स्टूडेंट्स को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि वे बिना किसी तनाव के परीक्षा दें। ये परीक्षा मार्च में शुरू होकर मार्च में ही समाप्त होगी। इतना ही नहीं, होली 25 मार्च को है, इसके पहले ही परीक्षा समाप्त होगी। 12वीं की परीक्षा 1 मार्च से 23 मार्च तक और 10वीं की परीक्षा 2 मार्च से शुरू होकर 21 मार्च तक होगी। बोर्ड के अफसरों का कहना है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए परीक्षा खत्म होने के कुछ दिनों के बाद ही मूल्यांकन शुरू हो जाएगा। संभावना है कि बोर्ड के नतीजे मई के दूसरे 3 सप्ताह तक जारी हो जाएंगे। 10वीं 12वीं सीजी बोर्ड परीक्षा के 2475 सेंटरों में से कुल 180 सेंटर ऐसे हैं जिन्हें संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। इसमें से भी 69 अति संवेदनशील हैं। कांकेर में सबसे अधिक 18 केंद्रों को इस लिस्ट में शामिल किया गया। इसी तरह कोंडागांव के 15, गरियाबंद के 10, बीजापुर में 7, सुकमा में 5, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी में 2 समेत अन्य सेंटर हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, हैंडराइटिंग से सुलझी बीजेपी नेता की सुसाइड मिस्ट्री। मुंगेली में 7 महीने पहले की थी आत्महत्या, धर्मांतरण के लिए परेशान कर रही प्रेमिका अरेस्ट। मुंगेली जिले में धर्मांतरण के दबाव में बीजेपी नेता शैलेंद्र जायसवाल ने सुसाइड कर लिया। एक युवती धर्मांतरण के लिए ब्लैकमेलिंग कर रही थी, जिसे पुलिस ने 7 महीने बाद गिरफ्तार कर डेथ मिस्ट्री से पर्दा उठा दिया है। घटना लोरमी थाना क्षेत्र की। दरअसल 15 जुलाई 2023 को बीजेपी नेता शैलेंद्र जायसवाल 44 वर्ष की लाश बिजली के खंभे में फांसी के फंदे पर लटकती मिली थी। वे पूर्व एल्डमैन के अलावा बिलासपुर सांसद के प्रतिनिधि भी थे। रामेपुर के पास कियोस्क का संचालक भी कर रहे थे। शैलेंद्र 14 जुलाई को घर नहीं लौटे तो परिजन ने उनकी तलाश शुरू की। मोबाइल बंद होने पर परिजन और स्थानीय लोग पूरी रात खोजते रहे। 15 जुलाई को शैलेंद्र का शव उनके कियोस्क सेंटर से आधा किलोमीटर दूर एक खेत में खंभे से लटका मिला। पुलिस ने कियोस्क सेंटर से 6 अलग अलग सुसाइड नोट भी बरामद किया था, जिसमें शैलेंद्र ने सोनिया लकड़ा नाम की युवती पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने की बात लिखी थी। इसके साथ ही ब्लैकमेल कर पैसे भी मांगने का जिक्र था। 20,000 देने के बावजूद लगातार परेशान कर रही थी। SDOP माधुरी धीरही ने बताया कि युवती और बीजेपी नेता शैलेंद्र जायसवाल के बीच 2018 से जान पहचान थी। जांच में पुलिस ने मृतक के मोबाइल के CDR भी खंगाले, जिसमें दोनों के बीच रोजाना घंटों बातचीत की बात भी सामने आई है। वहीं पकड़ी गई युवती ने भी पुलिस की पूछताछ में बताया कि शैलेंद्र के साथ उसका अफेयर था, वे अक्सर फोन पर बातें किया करते थे। सुसाइड नोट की पड़ताल के लिए पुलिस ने हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की मदद ली। करीब 7 महीने का बाद हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट में पता चला कि शैलेंद्र ने ही सुसाइड नोट लिखा था। पुलिस ने सोनिया लकड़ा के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी सोनिया को लोरमी के पुराने बस स्टैंड के पास स्थित घर से धर दबोचा। वो वनग्राम जमुनही की रहने वाली है और यहां रहकर प्राइवेट जॉब करती है। फिलहाल पुलिस आरोपी युवती को गिरफ्तार कर आगे की जांच कर रही है। बने रहिए दोस्तों, साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, शिक्षा विभाग की कार्रवाई। स्कूल में शराब पीने वाला शिक्षक सस्पेंड, जुर्म दर्ज। मस्तूरी विकासखंड के मचाहा शासकीय प्राथमिक शाला में प्रधान पाठिका के सामने टेबल पर चकना रखकर शराब पीने वाले सहायक शिक्षक संतोष कुमार कैमवट को जिला शिक्षा अधिकारी ने सस्पेंड कर दिया है। वहीं BO शिकायत की पर पचपेड़ी पुलिस के उक्त शिक्षक ने खिलाफ जुर्म भी दर्ज कर लिया है। 28 फरवरी की सुबह 10:30 बजे मस्तूरी ब्लॉक के ग्राम मचाहा स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में पदस्थ सहायक शिक्षक संतोष कुमार कैमवट नशे की हालत में स्कूल पहुंचा। उसके बाद प्रधान पाठिका एवं स्टाफ के सामने टेबल पर चखना और शराब की बोतल रख दिया। इस दौरान एक व्यक्ति ने वीडियो बनाना शुरू किया तो वह भड़क गया और कहने लगा कि अच्छे से बनाओ वीडियो, उसमें पूरा चखना आना चाहिए। उसने कलेक्टर DEO को भी इसकी जानकारी देने कहा और खुलेआम पैग बनाकर शराब पीने लगा। महिला प्रधान पाठिका और अन्य शिक्षक व बच्चे उसे शराब पीते देखते रहे। वीडियो बनाने वाले से हुज्जतबाजी करने के बाद वो बाहर चला गया। कुछ ही देर में उक्त वीडियो वायरल हो गया, जिससे शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। जानकारी मिलने पर DEO TR साहू ने BO अश्विनी वैष्णव को मामले की जांच के लिए भेजा।
रात तक डीईओ ने जांच रिपोर्ट डीईओ को दे दी। इसके बाद 29 फरवरी को डीईओ टीआर साहू ने शिक्षक संतोष कैमवट को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका कार्यालय शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला पचपेड़ी विकासखंड मस्तूरी रहेगा। इधर मस्तूरी बीओ ने थाने में उक्त शिक्षक के खिलाफ शिकायत भी की है। बीओ की शिकायत पर पचपेड़ी पुलिस ने शराबी शिक्षक के खिलाफ धारा 186 36 च के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, सुकमा में गंदी बात पर बाबू की पिटाई। जनपद पंचायत की महिला कर्मचारी को बहाने से टच करता था, कार्रवाई न होने पर सिखाया सबक। सुकमा में एक महिला कर्मचारी ने अश्लील हरकत करने वाले जनपद पंचायत के बाबू की जमकर पिटाई कर दी। आशिक मिजाज बाबू की हरकतों से महिला कर्मचारी काफी दिनों से परेशान थी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। महिला कर्मचारी ने बताया कि वो जनपद पंचायत सुकमा में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की विकासखंड समन्वय है। वो पिछले 10 सालों से यहाँ काम कर रही है। जनपद पंचायत कार्यालय में पदस्थ बाबू एसएम शर्मा लगातार उससे अश्लील हरकत कर रहा था, जिससे वे तंग आ चुकी थी। उसने बाबू की शिकायत भी की है। ड्यूटी टाइम पर बाबू काम के अलावा बातें करना, हाथ पकड़ना, गाल छूने जैसी हरकतें करता था। वो काम के बहाने नजदीक आता और पर्सनल लाइफ के बारे में पूछता था। इन हरकतों का विरोध करने पर भी वो नहीं मान रहा था। डर और संकोच के चलते महिला चुप थी। महिला कर्मचारी ने बताया कि 12 फरवरी को सहायक ग्रेड 3 एसएम शर्मा ने मुझसे कुछ ऑफिशियल जानकारी मांगी और सुबह 10:15 बजे अपने चेंबर में बुलाया। जानकारी लेने के बाद वे मेरे काम की तारीफ करने लगे और मेरे गालों को छुआ। इससे मैंने असहजता महसूस की। इसके बाद उन्होंने मेरे शरीर के दूसरे अंगों को छुआ। मेरे विरोध करने पर कहा कि ये बात किसी से मत कहना। महिला कर्मचारी का कहना है कि मैं यहाँ असुरक्षित महसूस करती हूँ। महिला कर्मचारी ने बताया कि क्लर्क महिलाओं के कपड़ों पर भी अश्लील और भद्दी टिप्पणी करता है। पीड़ित महिला कर्मचारी का आरोप है कि कर्मचारी की गंदी हरकतों से ऑफिस में काम करने वाली हर महिला कर्मचारी परेशान है। महिला कर्मचारी का गुस्सा उस वक्त भड़क उठा जब शिकायत के 15 दिन बाद भी क्लर्क के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने ऑफिस में ही क्लर्क की धुनाई कर दी। क्लर्क की पिटाई का वीडियो वहां मौजूद कर्मचारियों ने बनाकर इंटरनेट पर वायरल कर दिया। पीड़िता ने शिकायत में बताया कि उसने 13 फरवरी को क्लर्क के खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर उसने दूसरी बार सुकमा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के साथ कलेक्टर, बस्तर संभाग के कमिश्नर और राज्य महिला आयोग को पत्र लिखकर क्लर्क के खिलाफ शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, मानवता की मिसाल। दो बाइकों की भिड़ंत में दो युवक गंभीर रूप से घायल। मीटिंग में जा रहे जनपद सीईओ ने तत्काल अपनी गाड़ी से भेजा अस्पताल। जशपुर, एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दो बाइकों के बीच जोरदार टक्कर हुई। घटना में दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे के बाद जनपद सीईओ प्रमोद सिंह ने मानवता का परिचय देते हुए तत्काल अपनी गाड़ी से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बता दें कि जशपुर में दो बाइक के बीच भिड़ंत हो गई। घटना में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मीटिंग में जा रहे जनपद सीईओ प्रमोद सिंह ने घटना को देखते ही तत्काल अपनी गाड़ी रुकवाकर घायलों को अपनी स्कॉर्पियो से अस्पताल भेजा। दोनों घायलों का उपचार बगीचा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, दिग्गज भाजपाई पहुंचे पेंड्रा, साव, देव, जायसवाल और कौशिक ने स्कूली बच्चों को कराया न्योता भोज। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष किरण देव के साथ डिप्टी सीएम अरुण साव, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायक धरमलाल कौशिक शुक्रवार को पेंड्रा पहुंचे। यहां सभी नेता स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में न्योता भोज कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने स्कूली बच्चों के साथ भोजन किया और उन्हें भोजन भी परोसा। बड़े नेताओं को अपने बीच पाकर बच्चे काफी उत्साहित हुए। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना में समुदाय की भागीदारी जोड़ते हुए न्योता भोजन की अनूठी पहल की गई है। आज सीएम विष्णुदेव साय ने अपने गृह ग्राम बगिया में आश्रमशाला के बच्चों को अपने जन्मदिवस पर न्योता भोजन कराते हुए इस योजना की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ में स्कूली बच्चों को अब नियमित रूप से मिल रहे भोजन के अलावा समाज के अग्रणी और सक्षम लोगों के जरिए न्योता भोजन में पौष्टिक और रुचिकर खाद्य सामग्री मिलेगी। न्योता भोजन 3 प्रकार के हो सकते हैं, पूर्ण भोजन शाला की सभी कक्षाओं के लिए, आंशिक पूर्ण भोजन शाला के किसी कक्षा विशेष के लिए, अतिरिक्त पूरक पोषण सामग्री। न्योता भोजन का उद्देश्य समुदाय के बीच अपनेपन की भावना का विकास, भोजन के पोषक मूल्य में वृद्धि तथा सभी समुदाय वर्ग के बच्चों में समानता की भावना विकसित करना है।
इस योजना में समाज के अग्रणी और सक्षम लोगों के अलावा कोई भी सामाजिक संगठन, स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को पूर्ण भोजन का योगदान कर सकते हैं अथवा अतिरिक्त पूरक पोषण के रूप में खाद्य सामग्री का योगदान कर सकते हैं। ये स्कूल में दिए जाने वाले भोजन का विकल्प नहीं होगा, बल्कि यह विद्यार्थियों को दिए जा रहे भोजन का पूरक होगा। न्योता भोजन समुदाय के सक्षम लोग भी विवाह के वर्षगांठ, जन्मदिन, राष्ट्रीय पर्व आदि विशेष अवसरों पर भी स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोज्य पदार्थ उपलब्ध करा सकेंगे। ये पूर्ण रूप से ऐच्छिक होगा। दानदाता स्कूली बच्चों को मौसमी फल, दूध, मिठाई, बिस्किट, हलवा, अंकुरित खाद्य पदार्थ आदि वितरित कर सकते हैं। न्योता भोजन के लिए बच्चों की रुचि के अनुरूप दानदाता खाद्य पदार्थ का चयन कर सकते हैं। न्योता भोजन में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना से लाभान्वित हो रहे बच्चों को अतिरिक्त खाद्य पदार्थ या पूर्ण भोजन के रूप में पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन प्रदाय किया जा सकेगा। इस योजना के संचालन के लिए शाला विकास समिति को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये समिति समुदाय में ऐसे दानदाताओं की पहचान करेगी जो रोटेशन में माह में कम से कम एक दिन शाला में न्योता भोजन करा सके। दानदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें शाला की प्रार्थना सभा अथवा वार्षिक दिवस में सम्मानित भी किया जाएगा।